सुनवाई में विद्युत विभाग पर लगाया जानबूझकर धांधली करने के आरोप और कहा करीब एक माह से शहर का कुछ क्षेत्र डीपी समस्या से जूझ रहा है। अब तक विभाग उस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है। विद्युत विभाग खाना पूर्ति कर रहा है, अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो मैं बस स्टैंड पर चक्का जाम करूंगा। और अब तक विद्युत विभाग के कुछ लोग निलंबित हुए हैं और आगे भी निलंबित होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सत्ताधारी पार्टी के ही नेताओं को ट्रांसफार्मर एक माह इंतजार करना पड़ रहा है तो आम जन की क्या हालत होगी। कुरवई से आशीष सहले की रिपोर्ट। कोई भी सज्जन पुरुष सो नहीं पा रहे हैं, ना कूलर चल रहा है ना पंखे चल रहे हैं, चलते हैं तो फूक जाते हैं, फ्रिज फूक रहे हैं, टीवी फूक रहे हैं। इसलिए मैं आज जनसुनवाई में आया हूं कि श्रीमान मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सब इंजीनियर दक्ष साहब आज तक इस बात पे गौर नहीं किया। वो एकमात्र यहाँ मिस्टर खान जो लाइनमैन हैं उनको अपने वहाँ मोहल्ले में भेज के दिखवा देते हैं, एक खाना पूर्ति कर लेते हैं। अगर ये लाइट की समस्या आज रात को नहीं सुलझी तो कल महेश गुप्ता पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बस स्टैंड पर चक्का जाम करेगा। ये मेरा एक आह्वान है, अगर लाइट की व्यवस्था कल तक नहीं सुधरती है तो। आम आदमी का तो जन सुनवाई में रास्ता दिया ही है, इसको सत्ताधारी पार्टी से न जोड़ें। ये समस्या सबकी है और ये विद्युत मंडल के कर्मचारी अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं आजकल। ये पूरे मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। ये ऊपर के अफसरों को गुमराह करके, ऊपर के अधिकारियों को गुमराह करके मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी और अफसर लोग और अपना मतलब निकाल रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये लोग इसी तरह के पूरे मध्य प्रदेश में कुछ लोग सस्पेंड हुए हैं और अगर नौबत आई तो यहाँ भी कुछ लोग सस्पेंड होके जाएंगे। ये मैं आपसे कहता हूँ, हम सत्ता पार्टी के जरूर हैं पर विधानसभा तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। ये मैं कुरवई के लिए हमेशा समर्पित रहा हूँ और रहूँगा।